हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे लारावेल में। दोस्तों, अगर आप किसी भी पेज पे किसी भी एरिया को आप किसी आईपी के थ्रू उसको ब्लॉक करना चाहते हो तो वो कैसे करते हैं, वो चीज़ इस वीडियो में आपको बेसिकली दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो यहाँ पे दोस्तों दिक्कत ये है बेसिकली कि मेरे पास जो है लारावेल का प्रोजेक्ट है, ठीक है, लारावेल 9.dv करके मैंने यहाँ पे वर्चुअल होस्ट में बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है मेरा वेलकम पेज है, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक जो है पेज बना रहा हूँ। तो वो जो पेज है वो यहाँ पे बना रहा हूँ manage.blad.php, और यहाँ पे दोस्तों दूसरा जो पेज है dashboard.blad.php। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली दिक्कत ये है कि मैनेज पेज और डैशबोर्ड जो पेज है, ठीक है, वो यहाँ पे मैं थोड़ा डिजाइन कर ले रहा हूँ पहले, और डैशबोर्ड पेज, ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ डैशबोर्ड पेज, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे रख रहा हूँ, और मैनेज पेज है, ठीक है। तो ये दोनों पेज है, इसको मैं काम करता हूँ, कंट्रोलर में कॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा टर्मिनल ओपन होगा, PHP आर्टिजन मैक कॉलन कंट्रोलर, और यहाँ पे मेरा यूजर कंट्रोलर यहाँ पे बनाता हूँ। यूजर कंट्रोलर के अंदर दोस्तों ये जो है मैं यहाँ पे कॉल करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे यूजर कंट्रोलर है, ठीक है, यूजर कंट्रोलर राउट में यूज करेंगे रन करने के लिए। तो यहाँ पे नेम स्पेस जो है वो आपको देना पड़ेगा, और कंट्रोलर, ठीक है, यूजर कंट्रोलर यहाँ जो है दोस्तों राउट कॉलन कॉलन गेट मैनेज, ठीक है, और यहाँ पे जो है अपना यूजर कंट्रोलर क्लास देना है सिंपली, और यहाँ पे जो है अपना फंक्शंस जो है दोनों चीज़ यहाँ पे बनानी है सिंपली, वो फंक्शंस मैं यहाँ पे बना देता हूँ। डैशबोर्ड, और यहाँ पे दूसरा जो है मैनेज, ठीक है, रिटर्न व्यू कर रहा हूँ सिंपली, मैनेज मेरा पेज यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी, और उसके बाद जो है हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे ऑलरेडी है। डैशबोर्ड दोनों चीज़ हो गई। मैनेज के लिए यहाँ पे जो है मैंने मैनेज देना है, और यहाँ पे जो है डैशबोर्ड मेरा पेज है उसको मैं डैशबोर्ड करना है सिंपली, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डैशबोर्ड, और यहाँ पे डैशबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो मैनेज और डैशबोर्ड जो पेज है वो कोई भी दोस्तों यहाँ पे एक्सेस कर सकता है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए मैनेज पेज यहाँ पे एक्सेस किया, और अगर मैं डैशबोर्ड यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों पेज जो है यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। तो दोस्तों बेसिकली चीज ये है कि अगर आप ये दोनों पेज है और किसी आईपी के थ्रू, मतलब किसी आईपी को ब्लॉक करके ये दोनों पेज है उस यूजर को, आप स्पेसिफिक यूजर को एक्सेस करना देना नहीं चाहते हो, तो वो चीज आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि ये जो दोनों पेज है वो आप कैसे उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक मैं काम करता हूँ, सबसे पहले एक मिडलवेयर बना देता हूँ सिंपली। यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, और PHP आर्टिजन मैक कॉलन मिडलवेयर, और यहाँ पे जो है ब्लॉक आईपी, आईपी एड्रेस के थ्रू ब्लॉक कर रहे हैं, तो ब्लॉक आईपी मिडलवेयर। तो यहाँ पे मेरा मिडलवेयर जो है यहाँ पे बन चुका है, मिडलवेयर है मेरा यहाँ पे ब्लॉक आईपी मिडलवेयर, वो चीज़ यहाँ पे बन चुकी है। तो ये जो मिडलवेयर है दोस्तों यहाँ पे इसको कैसे सेटअप करना है वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मिडलवेयर ये सारा कुछ यहाँ पे बन चुका है, हैंडल के अंदर आपको कोडिंग करना है। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, पब्लिक और मेरा ब्लॉक आईपी, अगर मैं जिस चीज़ को ब्लॉक करना है, ठीक है, वो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ब्लॉक आईपी इक्वल टू यहाँ पे जो है आईपी मैं रख रहा हूँ, ये मेरा लोकल का आईपी है, और आप दूसरा जो आईपी रखना चाहते हो वो चीज़ भी यहाँ पे आप रख सकते हो, कोई भी आप, ठीक है, अगर दूसरा आईपी, दो तीन आईपी अगर आप रखना चाहते हो, ठीक है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ये मेरा आईपी हो गया। यहाँ पे दोस्तों जो जो आईपी मैं डालूंगा वो आईपी जो होगा वो इसको, इस पेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो उसका कोडिंग जो है दोस्तों यहाँ पे करना पड़ेगा। इन एरे में करता हूँ सिंपली, और डॉलर रिक्वेस्ट आईपी, और यहाँ पे दोस्तों $30 करके हमने ऊपर जो बनाया है ब्लॉक आईपीस वो चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, वो चीज़ हो गई सिंपली। यहाँ पे मैं काम करता हूँ अबाउट, ठीक है, 403, और ये जो चीज़ है यू आर
यू आर रेस्ट्रिक्टेड टू एक्सेस द साइट, ऐसा कुछ यहाँ पे दोस्तों हम रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई हमारी यहाँ पे सिंपली। मिडलवेयर है दोस्तों, उसको रजिस्टर करना है यहाँ पे राउट्स के अंदर, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ राउट्स का, जो मिडलवेयर हमारा राउट ग्रुप का, ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। तो जो मेरा मिडलवेयर है वो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, और ब्लॉक आईपी करके क्लास देना है सिंपली मिडलवेयर, और यहाँ पे मेरा नेम स्पेस है वो चीज़ यहाँ पे आपको देनी है सिंपली। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई दोस्तों, ऐप HTTP मिडलवेयर ब्लॉक आईपी मिडलवेयर्स। तो ये चीज़ हो जाने के बाद अभी दोस्तों ये जो आपका मिडलवेयर है उसका नेम देना है आपको ब्लॉक आईपी, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मिडलवेयर दोस्तों यहाँ पे जो है आप एक्सेस, अभी आपका रिस्ट्रिक्शन है वो यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप दोस्तों कुछ ऐसे सेट करना चाहते हो मिडलवेयर, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, मैनेज अभी रन करके देखते हैं एक बार। मेरा दोस्तों लोकल का जो आईपी है वर्चुअल होस्ट का, ठीक है, वो है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दे रखा है, आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी ये लोकल होस्ट का जो आईपी है वो यहाँ पे मैंने दे रखा है। अभी इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, देखिए ये रन हो रहा है, ठीक है, मैनेज वाला भी पेज जो है रन हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये मेरा लोकल का आईपी यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखिए 403 यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सेस द साइट। तो ये चीज़ मेरे यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रही है, और ये मेरा आईपी है लोकल का, अगर मैं लोकल उसमें काम कर रहा हूँ तो ये मेरा लोकल का आईपी है। तो आप अपना आईपी जो होगा इंटरनेट का आईपी, ठीक है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई हमारी। और ब्लॉक आईपी क्या है, दूसरा पेज है यहाँ पे डैशबोर्ड जो है वो यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो उसको भी आप ऐसे कुछ सेटअप कर सकते हैं, मिडलवेयर जो है उस पेज में भी लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए तो दोनों पेज है दोस्तों यहाँ पे, मेरा जो आईपी एड्रेस है उससे यहाँ पे दोनों पेज है यहाँ पे दोस्तों एक्सेस करने को नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया। अगर दोस्तों आप ऐसे कुछ नहीं करना चाहते हो, ठीक है, ब्लॉक आईपी, तो यहाँ पे आप मिडलवेयर ग्रुप भी बना सकते हो राउट कॉलन कॉलन, क्योंकि मल्टीपल है, काफ़ी बार आपको रिपीट करना पड़ेगा तो वो डुप्लीकेशन थोड़ा हो जाएगा, ब्लॉक आईपी, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे, और ग्रुप ग्रुप, और यहाँ पे जो है फंक्शंस, और ये जो चीज़ है यहाँ पे लास्ट में आ जाएगी, देखिए। तो यहाँ पे मेरा आईपी जो मैंने रख दिया है, और आप देख सकते हैं कि ये जो प्रॉपरली अभी ये जो वर्क कर रहा है हमारा। और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं मेरा लोकल का जो आईपी है उसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने सेव किया, और देखिए डैशबोर्ड पेज एक्सेस हुआ और मैनेज पेज दोनों एक्सेस हुआ। अगर दोस्तों यहाँ पे मेरा लोकल का आईपी मैं ऐड कर दे रहा हूँ वापस, तो देखिए मैनेज पेज है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया, और डैशबोर्ड पेज है वो भी रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे जो है आप कुछ अपने हिसाब से, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि जो पेज है आपको कैसे रिस्ट्रिक्टेड करने हैं, तो आप ऐसे कुछ जो है ग्रुप मिडलवेयर का यूज़ करके मिडलवेयर में आईपी अपना डाल के ऐसे जो है आप अपना जो पेज है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हो चैनल में। अगर आप दोस्तों किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।